आईपीएल शुरू होने के अंदर कुछ ही दिन रह गया। मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि मेरी टॉप फोर टीम्स कौन सी है। जी हाँ, कौन सी चार टीमें क्वालिफाई करेंगी प्लेऑफ्स के लिए, मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन आज बताऊंगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आपने कमेंट्स के अंदर अपनी टीम के बारे में जरूर बताना है विद एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, दिस इज वलीद। अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो कर ले, वीडियो को भी लाइक कर दे। सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये जो बनता है ना कोहली, इसको मैं बड़ा ज्यादा पसंद करता हूँ। इसी की वजह से इसकी जो टीम है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, इसको भी काफी सालों से सपोर्ट करता आ रहा हूँ, लेकिन आज इन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। यकीन करें कि जब ये वीडियो सुन रहे होंगे आपको भी फील होगी ये चीज कि एक इतनी अच्छी आपकी थीम बनी हुई, इतनी अच्छी आपकी जर्सी है, आपको क्या जरूरत पड़ी थी उसके अंदर काले को खत्म करके ब्लू ठोकने की। मतलब कि ब्लैक और रेड का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन था, लेकिन इन्होंने उसको उसके अंदर नेवी ब्लू कलर लेकर आ गए। और जर्सी को मैं क्या ही बोलूं, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मुझे पुरानी वाली जर्सी ज्यादा अच्छी लग रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। ये नहीं, हर टीम को कोशिश होती है ब्लू कलर को बीच में लाने की। यहाँ ऑलरेडी पहले बहुत ज्यादा ब्लू कलर मौजूद है, तो आप अपने चेंज कलर को चेंज ना किया करें, समझ से बाहर है ऐसा ये लोग क्यों करते हैं। इसी के साथ साथ आरसीबी का जो लोगो है ना, उसको चेंज कर दिया गया। पहले वो था बैंगलोर, अब उसको बेंगलुरु कर दिया, पुराने ओल्ड नेम के ऊपर वापस गए, जो कि हर कोई बोलता भी यही था। हम जैसे लोग जिनको नहीं पता था इसकी हिस्ट्री, हम लोग बैंगलोर कहते थे, लेकिन असल में बेंगलुरु ही था, और उन्होंने उसको नाम को वापस कर दिया। लेकिन लोगो भी जो मुझे था ना, जो उसके कलर्स की थीम थी, वो पुराने लोगों की कलर्स की थीम ज्यादा अच्छी लगती थी। अब बात करते हैं आईपीएल की, आईपीएल की टॉप फोर टीम्स कौन सी होंगी। देखिए, जब ये मैं वीडियो शूट करने लगा हूँ ना, इससे पहले तकरीबन मुझे 1 घंटा तो आप कह सकते हैं कि हर टीम को, जिसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ वीकनेस को देखने में लग गया। और मैं आपको सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि मुझे 10 टीमों में से 8 टीमें ऐसी लग रही थी जो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती हैं। इतनी अच्छी अच्छी टीम्स बनी हुई हैं, इतने परफेक्ट कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। ऑलराउंडर्स के जो मिदार है वो ज्यादा है, बॉलर ज्यादा है, फास्ट बॉलर ज्यादा है, स्पिनर ज्यादा है, बल्लेबाज ज्यादा है, हार्ड हिटर ज्यादा है। बड़ी मुश्किल से आप समझ लें कि मैंने 4 टीमें डिसाइड की हैं, वो भी बड़े दिल पे हाथ रख के। बहुत मुश्किल है मुझे इस दफा। मैंने आपको जब आईपीएल के ऑप्शन तभी मैंने कहा था कि मुझे इस दफा आईपीएल की हर टीम बस अच्छी नजर आ रही है, लेकिन अब की अगर मैं बात करूं तो मुझे, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था टॉप फोर डिसाइड करना। तो मैंने बड़ी मुश्किल से किया, क्योंकि मुझे हर टीम के अंदर वो जज्बा, वो जुनून नजर आ रहा है, वो कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है कि ये लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो खैर, आपने भी कमेंट में जरूर बताना आपने टॉप फोर कौन से होंगे। मैं आपको बताता हूँ मेरे टॉप फोर कौन से होंगे। मुझे लगता है कि इस दफा जो आईपीएल 2024 है, इसके अंदर टॉप फोर टीम्स होंगी, उसके अंदर सनराइजर हैदराबाद का नाम होगा, इसी के साथ साथ मुंबई इंडियंस का नाम होगा, आरसीबी का नाम होगा, और चौथी नाम के ऊपर मैं जरा कंफ्यूज हूँ। तो मैंने 2 टीम्स चूज की है जिसमें से कोई एक जा सकती है, जैसे कि CSK और दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल को मैंने चूज किया, इनमें से कोई जा सकती है। अब आप ये सोचें कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था कोलकाता को माइनस करना, मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था लखनऊ को माइनस करना, मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था आपकी राजस्थान को माइनस करना, पंजाब किंग्स को माइनस करना, क्योंकि ये भी टीमें अच्छी खासी बनती हुई नजर आ रही है। फिर भी बड़ा ज्यादा ही मुश्किल था गुजरात, मुझे एक ऐसी टीम लग रही है जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। शायद इस दफा जो इनका जी स्टैंडिंग होगी वो भी काफी नीचे होगी, क्योंकि इनकी टीम का वो कॉम्बिनेशन ही बन पाएगा, और वो जो बॉलिंग में इनका चार्म था शामी का, और कैप्टन जो था हार्दिक पांड्या, उसके ना होने से बड़ा ज्यादा इस टीम के ऊपर इफेक्ट आएगा। अलबत्ता जो मैंने अपने 4 बताए हैं, आरसीबी, सनराइजर हैदराबाद, मुंबई इंडियंस और चेन्नई और दिल्ली में से कोई एक टीम मुझे लगता है कि है ना क्वालिफाई करेगी। अब ये टीमें क्यों, देखिए आपको समझना पड़ना है, इस दफा जो आरसीबी ने टीम बनाई है बड़ी शानदार किस्म की बनाई है। इनके पास लोकी फर्ग्यूसन भी है, इनके पास कैमरून ग्रीन भी है, इनके पास रजत पतिदार भी इस दफा अवेलेबल है। पिछले सीजन में ये लोग क्वालिफाई कर जाते, वो तो उनके लिए होगी थी, थोड़ा सा उनके जैसा कहता है ना जख्मों पे नमक छिड़क दे शुभमन गिल ने, लेकिन इस दफा अगर आप देखेंगे तो इनकी जो कमियां थी, विराट कोहली, मैक्सवेल और डुप्लेसी सिर्फ रन करते थे और कोई रन नहीं करता था, तो इनके पास रजत पतिदार का ऑप्शन भी है, कैमरून ग्रीन का भी है, और बॉलिंग के अंदर सिराज के साथ साथ इनके पास लोकी फर्ग्यूसन भी है, रीस टोपली भी है, तो इनके पास बॉलिंग में भी जिससे कहते हैं ना ऑप्शन अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस, मैंने आपको हमेशा से पता है कि शुरू से कहता आ रहा हूँ आईपीएल ऑप्शन से कि वन ऑफ द बेस्ट टीम इन्होंने बनाई है, इनके पास हर चीज परफेक्ट है, और बुमराह के होने से, रोहित शर्मा, हार्दिक पांडे के वापस आने से टीम बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, तो इन्होंने क्वालिफाई करना ही करना है, बड़े आराम से लोग करेंगे। इसी के साथ साथ मैंने कहा सनराइजर हैदराबाद, तो मैंने आपको पहले भी अपनी बोल्ड प्रेडिक्शन में कहा हुआ है आरसीबी वर्सेस सनराइजर हैदराबाद का फाइनल, और ये जो टीम है ना सनराइजर हैदराबाद,
ये बहुत ज्यादा मुझे खतरनाक नजर आ रही है, बड़ी जैसा कहता है ना वन ऑफ द बेस्ट टीम नजर आ रही है इस टीम के अंदर। जब से पैट कमिंग्स आ गए हैं वो बंदा जानता है कैसे आगे टीम को लेके चलना, और इस टीम में दम भी मुझे नजर आ रहा है। रही बात दिल्ली और चेन्नई की, तो बड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग था, दिल कहता था चेन्नई लेकिन दिमाग कहता था कि दिल्ली की टीम में इस दफा दम नजर आ रहा है, तो मैंने कहा दोनों के नाम ले लेते हैं, लेट्स सी देखते हैं कौन सी टीम क्वालिफाई कर जाएगी। बट मैं 110% श्योर हूँ कि आफ्टर टू मच जैसा कहते हैं ना रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पहुंचा कि ऑन पेपर ये टीमें दम रखती है, लेकिन ऑन फील्ड कौन सी टीम दम रखती है ये तो वक्त ही बताएगा। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए ज्यादा दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, वीडियो को भी लाइक कर दे। अल्लाह हाफिज़।